हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल 777 सोल चारों में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सभी अच्छे हैं, खुश हैं और अपनी लाइफ में भी आगे बढ़ रहे हैं। तो आप सभी के लिए मैं न्यू रीडिंग के साथ आ गई हूँ और अभी जो रीडिंग कर रही हूँ टॉपिक है नेक्स्ट 3 डेज आपकी लाइफ के कैसे रहेंगे। इसमें आपकी लव लाइफ, आपका वर्क, आपका मूड, आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, तो ये हम पता लगाते हैं। नेक्स्ट 3 डेज का ये प्रेडिक्शन है। स्टार्ट करते हैं बिना देर करे और देखते हैं आपके लिए क्या एडवाइस, गाइडेंस या सिनेरियो होने वाला है आगे चलकर आने वाले 3 दिनों में। इट इज़ अ जनरल रीडिंग, इट मे और मे नॉट रेजोनेट विद एवरीवन, सो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। और ये रीडिंग टाइमलेस है, तो जब भी आप यहाँ तक पहुँचे उससे ठीक नेक्स्ट 3 डेज का ये प्रेडिक्शन होगा, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। और देखते हैं क्या आता है। द मून, ओके, वी हैव एस ऑफ कप्स एंड द हेरोफेंट, टू ऑफ कप्स, एंड द सन। वाओ, वी हैव सन एंड मून टुगेदर इन वन रो, सन एंड मून, और हमारे पास टू ऑफ कप्स का भी कार्ड है। गाइज, आपकी लव लाइफ में मेजर चेंजेस आने वाले हैं, मेजर चेंजेस। मैं आपको बताऊंगी वो चेंजेस क्या हो सकते हैं। अभी पहले और कार्ड ले लेते हैं। ओके, वी हैव टेन ऑफ वांड्स, वी हैव लवर्स। ये क्या हो रहा है आज? मैंने तो पहले ही बोला था, देखो लास्ट ईयर मैं हमेशा बोलती थी कि मार्च के बाद आप लोगों का यूनियन हो सकता है, और अप्रैल में काफ़ी लोगों के यूनियन हुए हैं। मेरे दोनों चैनल पर मैंने इतनी सारी पोस्ट डाली थी, और जब वो स्टेज ख़त्म हुई तो फिर उसके बाद मैंने कहा कि जुलाई एंड तक हो सकता है। जुलाई एंड तक मैंने कुछ का बोला था, और फिर उसके बाद मैंने इस साल के एंड में बोला है यूनियन होने के चांसेस हैं। तो अभी यूनियन होने शुरू हो गए हैं, और इसी के साथ साथ करियर में भी काफ़ी लोगों को गुड लक मिल गया है, सक्सेस मिल गई है। तो मैं तो लगातार जब जब, क्योंकि देखो सारे कॉमेंट तो पढ़ना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन यस मैं पढ़ती हूँ, और जैसे ही मुझे मिलता है मैं तुरंत पोस्ट कर देती हूँ ताकि आप लोगों तक पहुँचे। तो अभी मुझे वाइब आ रही है कि यस, आपकी लव लाइफ में मेजर चेंजेस आने वाले हैं। हो सकता है इन आने वाले 3 दिनों में ही आ जाएं। तो ये चीज़ दिख रही है यहाँ पर। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, The Empress, Nine of Cups, Nine of Pentacles, Eight of Swords, Ten of Swords, Hanged Man, Eight of Pentacles. Okay, we have Emperor. Wow, we have Empress already. और हमारे पास कपल आ गया है। मुझे तो बहुत ज़्यादा यहाँ से वाइब्स आ रही हैं गाइज, आप डिवाइन कनेक्शन में हो। देखिए, आप में से ज़्यादातर लोग अभी सोलमेट कनेक्शन वाले हैं यहाँ पर, और कुछ लोग यहाँ पर ट्विन फ्लेम वाले भी हैं, जैसे कि कपल आ गया, एम्परर और एम्प्रेस, और साथ ही लवर्स का कार्ड आया है। सबसे पहली बात मैं बता दूँ, आने वाले 3 दिनों में न्यू बिगिनिंग के चांसेस हैं गाइस सोलमेट कनेक्शन वालों की लाइफ में,
जो भी सोलमेट कनेक्शन में है, आपके पार्टनर आपको मैरिज के लिए प्रपोज कर सकते हैं, क्योंकि ये पर्सन आपके बिना रह नहीं पाएंगे, ना आप इनके बिना रह पा रहे हो। आप बहुत अच्छा कर रहे हो अपनी लाइफ में, लेकिन अब शायद डिवाइन आपको रिवॉर्ड देने वाले हैं। आपके पर्सन आपको कमिटमेंट दे सकते हैं आने वाले 3 दिनों में। कुछ लोगों को कमिटमेंट मिलेगी। प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना जैसे ही आपका ये प्रडिक्शन ट्रू हो जाता है अगर, तो ठीक है, आपको मुझे बताना है, क्योंकि मुझे बहुत अच्छी वाइब्स आ रही हैं कार्ड से। आप लोगों के लाइफ में अब बहुत ज़्यादा चेंजेस आने वाले हैं, मेजर स्पिरिचुअल चेंजेस, शादी के अनाउंसमेंट मुझे लगता है डिवाइन आपकी लाइफ में देने वाले हैं। और जो भी डिसेप्शन है आपके पार्टनर में, जो भी चीज़ें छुपा रहे थे, वो अब आपके सामने रिवील करने के लिए रेडी हैं, अपने मन की बात आपको बताने के लिए रेडी हैं। तो ये बात हुई अभी सोलमेट के लिए, जो सोलमेट कनेक्शन में है। मैं बात करती हूँ अभी ट्विन फ्लेम कनेक्शन वालों के लिए। ट्विन फ्लेम कनेक्शन वालों की लाइफ में अभी कुछ बर्डन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बची हैं जिनको पूरा करना है आपको। तो अभी गाइज आपको थोड़ा सा और स्ट्रगल देख रहे हो, अभी आप अपने फाइनेंस में भी देख रहे हो, और इसी के साथ साथ दूसरी भी बर्डन आपके ऊपर हैं, जैसे कि घर का काम हो सकता है, अदर वर्क हो सकता है, स्टडी हो सकती है। अभी आपकी लाइफ में चैलेंजेस हैं। तो अभी तो आपका यूनियन नहीं दिख रहा है, लेकिन यस, आपका टेलीपैथिकली कनेक्शन बनेगा आपके पार्टनर के साथ। आपके पार्टनर आपके ड्रीम में आएंगे, या फिर अब देखो मुझे ना ऐसा लग रहा है कि पहले ना, देखो ट्विन ट्विन फ्लेम के लिए बता रही हूँ मैं पहले, और ये चीज़ सोलमेट के साथ भी हो रही है जो मैं बताने वाली हूँ अभी। पहले आपको सिर्फ और सिर्फ अपने पार्टनर का नाम दिखता था, सिर्फ और सिर्फ पार्टनर का नाम, लेकिन अब कुछ ऐसा भी हो रहा है, ये बहुत कम हो रहा है लेकिन हो रहा है, अब आपको आपके पार्टनर के साथ आपका नाम भी दिख रहा है, आपका नाम भी दिख रहा है। सपोज दैट, जैसे पहले मैं डिवाइन का ही एग्जाम्पल लूंगी। सपोज दैट किसी को सिर्फ शिव दिख रहा है, शिव, लेकिन अब शिव के साथ पार्वती का भी नाम सामने आ रहा है। तो अब यहाँ पर शिव और पार्वती की जगह आप अपने पार्टनर का अपना नाम रख लो, ऐसे आपको दिख रहा है, लेकिन ये कम दिख रहा है। ज़्यादा तो आपको दिख रहा है आपके पार्टनर का नाम ही है, लेकिन अब आपके पार्टनर के नाम के आसपास ऊपर नीचे कहीं ना कहीं आपको आपका भी नाम दिख रहा है। ये बहुत ही पॉजिटिव साइन है। अगर ऐसा हुआ है आपके साथ, तो आप समझ लीजिए एक स्टेप और आगे बढ़ गए हो, ठीक है, एक स्टेप और आगे बढ़ गए हो अपने कनेक्शन में। ये चीज़ भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। रही बात करियर की, गाइस देखो देखो, जो सोलमेट कनेक्शन में है, आप में से बहुत सारे लोगों ने अपने करियर में सक्सेस हासिल कर ली है, इसीलिए आपके लिए यूनियन आ रहा है। तो डोंट वरी, जो भी सोलमेट कनेक्शन में है, जल्द से जल्द आपका यूनियन मुझे होते हुए दिख रहा है। ट्विन फ्लेम वाले कनेक्शन में यहाँ पर अभी कुछ चैलेंजेस बाकी हैं। अभी गाइज आपको अपने वर्क एरिया पर काम करना है, लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि टेलीपैथिकली जो कनेक्शन है वो बन जाएगा, और आपको अच्छी वाइब्स आनी शुरू हो जाएगी, और एक अलग ही तरह की पावर आप फील करोगे, एक एनर्जी फील करोगे, जिससे कि आप अपने जो भी ये फाइनेंशियल क्राइसिस आए हुए हैं या जो भी हार्डशिप्स आई हुई है, आप इसके साथ इजीली डील कर सकते हो। ओके, ये चीज़ आपकी लाइफ में है। आपका जो मूड रहेगा ना आने वाले 3 दिनों में, बहुत ही अच्छा रहेगा, खुश रहोगे, अंदर से स्माइल आएगी, मतलब अंदर से खुशी फील होगी आपको, ठीक है, आपके चेहरे पे स्माइल आएगी। बर्डन है लेकिन इतना बोझ नहीं लगेगा इसका, और डिवाइन को बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलने वाले हो आप आने वाले 3 दिनों में। तो ये कुछ ऐसा आपके साथ होगा। अपने वर्क पर आप थोड़ा और फोकस कीजिए, आपको अभी और हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है। कर लोगे आप, आई नो, मैं आपको जानती हूँ, आप कर लोगे ये चीज़ें, क्योंकि आपके लिए ये चीज़ें डिज़ाइन हुई है, तो इसका मतलब है डिवाइन को आप पर ट्रस्ट भी है, तभी आपको ये काम दिए हैं, तो आप कर लोगे, ठीक है। राइट नाउ गाइज, आपकी हेल्थ इश्यूज़ मुझे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, मुझे हेल्थ इश्यूज़ दिख रहे हैं। आई में प्रॉब्लम है, स्टमक पेन हो रहा है, स्टमक एक हो रहा है आपको, आप अवॉइड कर रहे हो ये सारी चीज़ें, आई पेन को भी अवॉइड कर रहे हो, स्टमक एक को भी जो हो रहा है आपको पेन, इसको भी आप अवॉइड कर रहे हो, और कहीं ना कहीं बॉडी एक भी हो रहा है। आप ना हेल्थ को बिल्कुल फॉर ग्रांटेड ले रहे हो, बिल्कुल भी ध्यान दे ही नहीं रहे हो अपनी हेल्थ पर, जबकि आपको अपनी हेल्थ पर भी फोकस करने की ज़रूरत है। इस पे वर्कआउट कीजिए, अच्छा खाना खाओ, ठीक है, और वर्कआउट करो, ये चीज़ें तो आपको करनी पड़ेगी। और जो डॉक्टर ने मेडिसिन्स वगैरह बोली हैं, उसको टाइम पर लो, टाइम पर लो। अब मुझे लग रहा है आप में से कुछ लोगों को इश्यूज़ हैं।
मुझे लग रहा है वायरल फीवर भी हुआ है, कुछ को डायबिटीज भी है यहाँ पर। आप बहुत पतले हो गए हो पहले से, डार्क सर्कल्स भी आ गए हैं। हेल्थ का भी ध्यान रखो, चेहरे पे चाम होना चाहिए, हेल्थ अच्छी होनी चाहिए ताकि जब आगे खुशियाँ मिले तो कोई ऐसा ना हो कि अभी ये प्रॉब्लम है, ये इशू है हेल्थ में, तो फिर आप इन्जॉय ना कर सकें अपनी लाइफ। हेल्थ का ध्यान रखो, हेल्थ है तो वेल्थ है, हेल्थ है तो सब कुछ है, ये मैं हर बार बोलती हूँ आपको। लेट्स सी और क्या आपके लिए है आने वाले 3 दिनों में। डिसिप्लिन आ रहा है, ओके तो हेल्थ इश्यूज भी आप ठीक करोगे। डिसिप्लिन आ रहा है अपनी लाइफस्टाइल में, आप डिसिप्लिन लेकर आओगे, अपनी लाइफस्टाइल को अच्छा बनाओगे, तो डिसिप्लिन आ रहा है तो इसका मतलब हेल्थ इश्यूज भी ठीक होने के चांसेस हैं। ठीक है, गुड। ये दो कार्ड आ रहे हैं, इनको लेते हैं, रेस्ट एंड रेजोनेट। कुछ लोगों को मेडिटेशन करने की ज़रूरत है डिवाइन के साथ कनेक्ट होने में, और आर्कएंजल कैम्यूल आपके साथ हैं, पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में लेकर आएंगे नेक्स्ट 3 डेज में। थोड़ा मेडिटेशन कर लिया करो, अगर ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो या फिर एन्जाइटी वगैरह फील हो रही है तो आप थोड़ा सा मेडिटेशन कर लिया करो, ये सही रहेगा आपके लिए। वेट अ सेकेंड, डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। थोड़ा सा ग्राउंड टू अर्थ रहिए, प्राइड वगैरह ज़्यादा फील ना कीजिए, प्यार से बोलिए, प्यार से सुनिए, एटीट्यूड अपना अच्छा रखिए। ठीक है, इक्वल गिव एंड टेक, अपनी लाइफ में बैलेंस लेकर आइए गाइस। बैलेंस, अ टाइम टू गिव रेदर देन टेक, ना ज़्यादा लो ना ज़्यादा किसी को दो। ठीक है, टाइम टू गिव रेदर देन टेक। अब देने का टाइम है, लेने का नहीं। हो सकता है किसी की हेल्प करनी है आपको, हो सकता है डिवाइन चाहते हैं कि आप कुछ अच्छा काम करें। एंड योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ, आपका हार्ड वर्क पे हो रहा है, तो आपकी लाइफ में ये यूनियन होने के चांसेस हैं, सक्सेस मिलने के चांसेस हैं। इस पर फोकस कीजिए, इस पर काम कीजिए, आने वाले 3 दिन बहुत ही लकी हैं। और अगर किसी का भी यूनियन होता है तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपकी स्टोरी पोस्ट करूंगी। ठीक है, तो गाइज अभी के लिए बस इतना ही। आई होप कि रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई हो, आपको पसंद आई हो। अगर रीडिंग रेजोनेट हुई है तो कमेंट सेक्शन में बताना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। अभी के लिए बस इतना ही गाइज, बाय, टेक केयर।